पहले इसका विचार करके रखा था। जब मैंने अरोमा थेरेपी का कोर्स किया था 2005 में, तो मुझे ये भी नहीं पता था, उस वक्त मैंने ये भी सोचा था कि मशरूम आर बेटर। लेकिन आज जब वही कोर्स में 6 महीने मिले थे, तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग माई कोर्स कि अरोमा थेरेपी का, तो उसमें जोजोबा ऑयल है, उसमें अगर एलोवेरा है, उसमें कोई भी चीज है जो आज हमने डैनोजी सोप में देखी है, एलोवेरा हैंड एंड बॉडी लोशन में देखी है, जेल में देखी है, हमारे नीली तैलम में देखी है, चबी बेबी ऑयल में देखी है, ये सब सारी रेंज ऑफ ऑयल्स है। तो उस हिसाब से ही दी है कि स्नेहांकन मतलब एक ऐसा अंश कि जो आपके बड़े अवयव को, आपके अंदर के बाहर के अवयव को मजबूत कर, और हम अभ्यंगर स्नान के हिसाब से ही वो देखते हैं। आज जो बिहार आगे बढ़ा है उसका एक ही कारण है स्नेहांकन और वो साधु। अब बिलीव नहीं कर सकते कि ये महिलाएं दो दो डेढ़ ढाई लाख 5 लाख पे क्यों जा रही है, बिकॉज ऑफ स्नेहांकन। और स्नेहांकन में दो थेरेपी लेती है, एक वाटर थेरेपी एंड एक ऑयल थेरेपी। देखो डॉक्टर लिम ने क्या विजन लगी है, एक अपना एक सोप जो पानी से धो रहे हो लेकिन फिर भी मॉइस्चर छोड़ रहा है आपके लिए, एक यूनिक चीज दी है। और आज हम सोप को प्रमोट इस चीज के लिए करना चाहिए कि दैट इज अ परफेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द ईच ह्यूमन बॉडी, और उसका प्रमो होके आज ये लोग इतना बढ़िया सा बिजनेस खड़ा किए है, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ अ वेरी स्मॉल थिंग कि उन्होंने कंसिडर किया एक ऐसी चीज की जो हर व्यक्ति चाहता है, भले वो डायबिटीज पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, कुछ भी है, लेकिन वो एक चीज को चाहता है और वो कोशिश करता है कि वो चीज लोगों तक पहुंचाए। अगर उससे आपका पैसा आ रहा है, आई थिंक इट्स जस्ट वेलकम, इट इज मोस्ट वेलकम फॉर इट। और आज के बाद जैसे बोला है कि हमने लेडीज सेशन बढ़ाने हैं, बिकॉज 11 to 3 जो हमको महिलाओं को टाइम मिला है, हमारी लाइफ लाइन तो शुरू हो गई है, तो उसका यूटिलिटी वी कैन डू इट फॉर दिस एक ऐसे सेशन से कि हम ब्यूटी सेशन तो लेंगे, स्किन सेशन तो लेंगे, लेकिन अल्टीमेट ये ब्यूटी सेशन कहाँ पे एंड होगा, तो वो वेलनेस पे ही हमको एंड करना है, वहां से ही हमको ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स हमको शुरू होगा। आई थिंक लेडीज इज अ ग्रेट पावर, एक बहुत बढ़िया पावर है, तो वो पावर हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी के साथ में ये बात खत्म करूंगी। एक यूरोप में औरत थी जिसके पास अच्छे से जमीन थी, और वो जमीन रोड के नजदीक में थी, वो हमेशा चाहती थी कि कुछ तो शुरुआत करूं, लेकिन उसको उसके जमीन से लेना नहीं था, उसको चाहिए था कि उसका जो पोल्ट्री फार्म है, उसके जो बच्चे हैं, उसका घर है, वो सब अच्छे से वो देखे, फिर भी वो जमीन का उसको यूटिलिटी करना था। इसमें छोटा सा मोटेल, आप मोटेल समझ सकते हो, एक ढाबा, यू कैन से कॉल इट ढाबा, तो उसने वो ढाबा शुरू कर दिया, लेकिन उसको इतना रिस्पांस नहीं मिला कि वो ढाबे पे जो रिस्पांस मिलना चाहिए, लोग आए खाना खाए, उसका जो टर्नओवर हो वो वैसे नहीं हो रहा था। फिर उसने सोचा कि क्यों ऐसे हो रहा है कि मैं अच्छे से सर्विस दे रही हूँ, अच्छे से खाना दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मोटेल वो जो प्रॉफिट लेवल रेशियो जो देना चाहिए, जो टर्नओवर देना चाहिए, या जो बेनिफिट जो मैं चाहती हूँ कि लोगों को मिले और मुझे मिले, वो जमीन से नहीं निकाल पा रही, तो मैं क्या करूँ। उसने सोचा, एक विचारधारा को बदल दिया, और उन्होंने काम किया कि उसी स्ट्रक्चर को, वही जमीन पे उन्होंने थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर किया, ज्यादा इंफ्रा नहीं डाल के, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करके उन्होंने एक छोटा सा आइसक्रीम पार्लर बनाया, उधर एक छोटा सा डांसिंग ग्राउंड बनाया, वहां पे एक छोटा सा प्ले ग्राउंड किया, फिर अच्छा सा उनको जो स्नैक्स था वो थोड़ा रिजनेबल रेट में क्वालिटी स्नैक्स दिया, फिर थोड़ा लीकर, बिकॉज अब्रॉड दे हैव दैट यू नो, थोड़ा सा एक लीकर कॉर्नर दिया, और ऐसी फैसिलिटीज उन्होंने वही जमीन पे उपलब्ध करी। नाउ उन्होंने और एक आइडिया डाली, उन्होंने इसका मार्केटिंग किया, मतलब लोगों तक पहुंचना है। आपको क्या करना है, सिर्फ आप इंफ्रास्ट्रक्चर डाले हो तो फायदा नहीं है, यू हैव टू रीच द पर्सन, एक एक लोगों तक आपको इन्फ्लुएंस करके उनको पहुंचना था। तो उन्होंने क्या किया, बोर्ड्स लगाए अपने जो रोड थे, एक एक जो किलोमीटर पे उन्होंने लिखा सिल्वर कॉइन आइसक्रीम पार्लर अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन, सिल्वर कॉइन
रिफ्रेशमेंट कॉर्नर अवेलेबल एट दिस कॉर्नर। तो वो उन्होंने अपने जो भी फैसिलिटीज है, मतलब वो जो भी देना चाहती है लोगों को फैसिलिटी, वो एक एक किलोमीटर पे अपना नाम वोट करके उन्होंने एक एक किलोमीटर में रखा। अब ये जो बंदा जो वो रास्ते से जा रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, तो देख रहा है कि सिल्वर कॉइन आइसक्रीम पार्लर है, सिल्वर कॉइन रिफ्रेशमेंट भी है, सिल्वर कॉइन लीकर बार भी है, सिल्वर कॉइन यहाँ पे ओल्ड एज के लिए भी थोड़ा रिफ्रेशिंग है। तो उन्होंने देखा कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल रहा है एंड देयर अवेलेबिलिटी इज देयर। तो एक एक दो दो वहां पे कस्टमर्स आना शुरू कर दिए। जैसे ही कस्टमर्स आना शुरू कर दिए, उस औरत ने उनको रिजनेबल रेट पे, बहुत प्रॉफिट रेशो न रख के, अच्छे सर्विस में उनको वो सर्विस देने को शुरू किया। नाउ द ऐसी चीज हुई ना कि लोगों को उस चीज की आदत हो गई कि वो एक दूसरे को रेकमेंड करने लगे, अरे दिस इज अ प्लेस, वहां पे सिल्वर पॉइंट पे आपको सब चीजें उपलब्ध होती है, वेरी रिजनेबल, वेरी होमली एटमोसफियर रहता है और फैमिली लेके जा सकते। नाउ दैट्स अ एरिया कि आप कभी भी उधर से जाते हुए देखोगे कि दैट इज अ वेरी प्रॉफिटेबल जमीन होगी, क्योंकि वहां पे अभी जो माउथ पब्लिसिटी होनी चाहिए थी, वो जो सर्विस अवेलेबिलिटी होनी चाहिए थी, वो अच्छे से होगी। जमीन तो वही थी, मॉटेल तो वही था, लेकिन एक आइडिया डाली थी कि जो कनेक्शन किया था लोगों तक पहुंचने का कि द सर्विस इज अवेलेबल हियर व्हाट यू वांट, मतलब जो सप्लाई और डिमांड का जो रेशो था 80-90-20, आप जो रेशो बोल रहे हैं, लोगों की जरूरतों को वहां पे पूरा करने की कोशिश उस औरत ने की थी। एंड जो फैक्ट ऑफ द लाइफ इज, आज भी वो यूरोप के रास्तों पे दैट सिल्वर पॉइंट इज नोन एज अ गोल्डन कॉइन मोटेल, क्योंकि उन्होंने उस औरत ने वो साबित कर दिखाया था, जमीन तो हुई है, सर्विस तो हुई है, लेकिन वो देने का तरीका, सोचने का तरीका और प्रेजेंट करने का तरीका उसने अलग कर दिया था। उसी जमीन पे उसने अच्छा सा प्रॉफिट रेशो रेस किया था। आई थिंक वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इज, हमारे पास जो डीएक्सएन जमीन है बहुत बढ़िया है, वेरी क्वालिटी वन, प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दी ओनली थिंग, किसी को डायबिटीज के लिए चाहिए, किसी को वेलनेस के लिए चाहिए, किसी को ब्यूटी के लिए चाहिए, किसी को डोमेस्टिक, मतलब आपका चाय कॉफी बदलने के लिए चाहिए, ईच पर्सन डिमांड इज डिफरेंट। किसी को अपना चाय ब्रांड बदलना है, किसी को सोप ब्रांड बदलना है, किसी को टूथपेस्ट ब्रांड बदलना है, किसी को मॉइस्चराइजर ब्रांड बदलना है, तो वो प्लेटफॉर्म हमको तैयार करना पड़ेगा। इट इज जस्ट नॉट दैट पेशेंट लेके आओ, हमको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। द प्लेटफॉर्म इज गिवन बाय डॉक्टर लिन, बहुत सालों पहले उन्होंने इतना ध्यान से, आप देखिए हैंड एंड बॉडी लोशन एक सिंपल चीज, वही चीज पे उन्होंने किया है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया है, मार्केटिंग किया है, आपको बिजनेस या एवरीथिंग इज गिवन इन दैट वन लैंड। कैन यू इमेजिन दैट, सिर्फ हमको लोगों तक वो उसको प्रमोट करना है, लोगों तक पहुंचना है, जिसकी जो जरूरत है उस हिसाब से हमको लोगों तक वो पहुंचाने की जरूरत है। एक दिन आएगा, आज हमको लोगों तक जाना पड़ रहा है, पीपल वुड स्टार्ट कमिंग फॉर यू, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो आत्मविश्वास है, वो जो यू नो इट इज अ रैपो, जो एक रैपो डेवलप होना चाहिए, वो रैपो डेवलप करने की आज टाइम है। एंड आई थिंक द गुड पार्ट ऑफ द पेंडेमिक इज दैट चांस हमको मिला है, सिर्फ एक थोड़ा सा अलग सोच करके ये प्लेटफॉर्म, ये जमीन हमको अगेन फर्टिलाइज करनी है, और ऐसे फर्टिलाइज करनी है कि लोग एकदम गोल्डन कॉइन के हिसाब से चकाचौंध। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल थिंग। सो थैंक्स टू डॉक्टर लेन, थैंक्स टू डीएक्सएन प्लेटफॉर्म, एंड डेफिनेटली आरबीसी से अगर नहीं जुड़े होते तो मिश्रा जी वो गोल्डन कॉइन हमको भी बनने का चांस नहीं मिलता था। इट इज अ सुपर चांस फॉर अस, और आज हमारी बच्ची आज इतना ग्लोबली इंटरनेशनली ब्रांडिंग कर रही है, वो इतना सम्मान पा रही है, एंड इट इज बहुत अच्छी, मतलब मैं तो जब मैंने वो देखा तो आई कुड बिलीव इट, एंड आई वॉज सो हैप्पी कि ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जो काम आज माँ बाप ने किया है, तो हम कहते हैं ना वसीयत में छोड़ जाते हैं, तो ये वसीयत वगैरह कुछ नहीं है, जिंदा जो मिसाल उन्होंने खड़ी की है। सो दैट्स हैट्स ऑफ टू देम, एंड ये हो सकता है
for each and every person who is loyal, honest, and you know, attached to DXN and attached to RBC channel. So thank you so much for giving me chance. जैसे दिवाली इस साल मनाए है तो अगले साल हम चाहते हैं कि अच्छे से बैश करके वो दिवाली शान से पहले मनाते थे वैसे ही हम मनाएंगे और मिलियनेयर्स खड़ा करके मनाएंगे. तो मेरी बहुत इच्छा है कि 1 लाख वाले खड़े हो जाए, 10 लाख वाले खड़े हो जाए, 5 लाख वाले खड़े हो जाए. दिस इज द चांस गिवन टू अस.